بسم الله الرحمن الرحيم. चौथे पारे की तफसीर पढ़ के देखे, यौम तबयद वुजूह व तस्वद वुजूह, तो उसमें लिखा है क्यामत वाले दिन किसका चेहरा काला होगा और किसका चेहरा नूरानी होगा। फरमाया यौम तबयद वुजूह ऐ वुजूह अहले सुन्नत वल जमा, क्यामत वाले दिन किसका चेहरा सफेद रहेगा? फरमाया सुन्नियों का रहेगा। अब बसाओकात हमें यह कहा जाता है, ओ तुम सुन्नी बड़े खुश हो जाते हो। मैं क्या पुत्र है, मैं नहीं खुश होंगे और किसी गल से खुश होने आए। हाँ, तू अकीदा चेक कर, हमारा माइंडसेट चेक कर, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में, सहाबा के बारे में, हुजूर के बारे में। हमारे अंदर अमल की कमजोरी हो सकती है पर अदब की कमजोरी नहीं है, समझ आ रही है? इसलिए हम कहते हैं कि जब अदब बंदे का मुकम्मल हो जाए तो तभी तो कहा जाता है बा अदब बा नसीब। कभी बा अमल और बा नसीब लिखा तो मेरे साथ बात कर। अमल तो शैतान ने भी बहुत किया था, लेकिन जब बात आई अदब आदम की, तो जो है कि को नहीं आप हजरात की, जब बात आई अदब आदम अलैहिस्सलाम की तो कहता मैं नहीं मानता। आजकल आपने एक बात सुनी होगी, कई कहते हैं कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं वो इल्मी किताब, कहते हैं कि नहीं कहते? ये बड़ी अजीब और गरीब बातें हैं, वो बाबियां नु ही नहीं मानते। मैंने कहा सबसे पहले जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान था, और जो आज बाबों का इनकार करता है वो भी वक्त का इबलीस है। आवाज कमजोरों वाली है, जरा टुकुर छुकुर खांदे हो हलाल कीता करो, उची बोलो सुभान अल्लाह तरकड़े हो के जरा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? कितने सुकून से कह देता है मैं बाबों को नहीं मानता, मैं किताबों को मानता हूं। तो किताबां तेरी मां लिखिया ने, ये भी तो साड़ियां बाबियां लिखिया ने। अपने तवज्जो नहीं ना फरमाई, ऐसे ड्रामे करते हो यार। हमारा दिल तो नहीं होता पर कभी कभी दिल करता भी रेंज तो मैं टैट करा थोड़ा जहा। पर ये बिल्कुल फजूर और लायानी किस्म का शख्स है, शैतान है। इनको बस फंडिंग होती है कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा करो, ये वो शैतान किस्म के लोग हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है ऐसे लायानी और बेमकसद और बेहया लोगों के लिए बात करने का, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए मैंने बात की है। किसी को सौदा पसंद आवे तो ले जाओ, ना पसंद आवे तो मेरा वेख की जाना है। दो नंबर तो आप रखे ही कोई नहीं, एक नंबर माल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फरमाया कि क़यामत वाले दिन किसका चेहरा चमकेगा? फरमाया अहले सुन्नत का चमके। और किसका चेहरा काला होगा? फरमाया यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, तस्वद्दु वुजूहुन ऐ वुजूह अहले बिदा। क्यामत वाले दिन जितने बिदाती लोग हैं उन सब के चेहरे काले हो जाएं। मैं एक धीरे से बात करता हूं और चेक करता हूं आपको समझ आती भी है कि नहीं है। मैंने कहा जो नबी को नूर नहीं ना मानता, हुजूर की नूरानियत का मुनकर है, हम बशर भी मानते हैं नूर भी मानते हैं। जो हुजूर की नूरानियत नहीं ना मानता, मेरा तजर्बा है उसके चेहरे पर कभी नूर नहीं होता। तो जेड़ा इत्थे नूर नहीं हो सूर अग्गे किवें नूर बनेगा कि मैंने दसो तो सही। हाय हाय हाय, तवज्जो है भाई, अल्लाह अकबर। इस वास्ते कईयों नूं एवें काले होने का शौक हुंदा बंदे दा पुत्तर बण। आवाज कमजोरों वाली है, 5 किलो का सार ना हिलाया करें, ठीक है? उत्थे आपे तू हो जाना, इत्थे तैनूं ढेर काली लगी हुई है। नहीं ढिले पै जांदे हो ना, सच्ची बातें सुनना तो मुश्किल हो जाती है ना। होंगी आपके रिश्तेदारियां, मेरी तो वो नाल ही है जो हजूर दा आशिक है, हमारी किसी और के साथ नहीं है।